बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो फाइनली क्लास 12th के बच्चों को जिस अपडेट का काफी टाइम से इंतजार था वो अपडेट यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं। जी हाँ, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लास 12th के जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं। आप सभी को पता है कि फेब के मिडल से स्टार्ट हो जाते हैं और मार्च के एंड होने तक ये कम्प्लीट भी हो जाते हैं। तो इस संबंध में आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अपडेट कोई सीबीएसई की तरफ से नहीं आया है, ये अपडेट हमारी तरफ से क्लास 12 के बच्चों के लिए हमारे चैनल की तरफ से। क्या है अपडेट, यहाँ पे हम बात करेंगे आर्ट्स यानी कि जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं उनके जो छात्र हैं उनके लिए। कुछ मेजर सब्जेक्ट लाइक मैं बात कर लेता हूँ, हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस है, सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, संस्कृत है। तो ऐसे में ये जितने भी ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं इन सभी की एक इम्पॉर्टेंट सीरीज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में हम दो चीजों को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली सीरीज हमारी ये रहेगी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अब इसमें देखो, जैसे मान लेते हैं हिस्ट्री की मैं बात कर लेता हूँ, तो हिस्ट्री में आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्क्स के आते हैं, 5 मार्क्स के भी आते हैं, 1 मार्क्स के भी आते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो इसमें बोर्ड के एग्जाम में आपके जो वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के भी आएंगे, 4 मार्क्स के भी आएंगे और 6 मार्क्स के भी। तो ऐसे में हर एक मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे आपको करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उसके निकल सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी, इंग्लिश, इको, कुछ भी हो, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कंप्लीटली हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं हर एक चैप्टर से जहां तक मेरी कोशिश रहेगी मिनिमम मैं आपके लिए 50+ MCQ की सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है। 50+ MCQ आप समझ रहे हो ना, 50+ एक चैप्टर से। अगर मैं बात कर लेता हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 1 ईंटे मन की अस्थियां, इससे अराउंड अगर हम देखें तो 70 से 100 जो है वो MCQ आप निकाल सकते हो। जैसे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता का, इससे भी 100+ MCQ निकल सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन निकल सकेंगे हर एक चैप्टर से, हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर से, वो यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक मैं आपको छोटा सा ना ओवरव्यू दे देता हूँ, लाइक यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जैसे कि हिस्ट्री का चैप्टर 1 है हड़प्पा सभ्यता की, मतलब इंटरमन की तथा अस्थियां, तो इसका एक छोटा सा 3 मार्क्स का क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कार्यक्रम अनुसार वर्णन कीजिए। और याद रखना इस सीरीज का सबसे अहम पार्ट ये है कि इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा हिंदी में भी रहेगा, पूरी तरीके से अच्छे समझाऊंगा, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बट आपको रीड आउट खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं दोनों को एक साथ समझाने बैठूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, आप इजीली जो है वो इंग्लिश में रीड आउट कर सकते हैं। अब ऐसे सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 8 मार्क्स में भी आ सकता है। तो 3 मार्क्स में क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, 8 मार्क्स में आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कुछ MCQ क्वेश्चन की, जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि सिंधु घाटी में नवीन सभ्यता की घोषणा कब की गई और किसके द्वारा की गई। तो देखा आपने दो क्वेश्चन, कब की गई और किसके द्वारा की गई। तो मेरा मेन टारगेट यही होगा कि कम टाइम में, बेशक से क्वेश्चन कम हो लेकिन उनकी एवरेज जो है, अगर मैं आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो उनकी एवरेज 15 से 20 क्वेश्चन के इक्वल ही होगी, याद रखना चाहिए, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन कम भी करवा दूँ तो आप ये मत समझना कि कम है, ये समझना कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ठीक है। अब जैसे ये हिंदी में है तो ऐसे इंग्लिश में आप देख सकते हो, मान लेते जैसे कि नवीन सभ्यता की खोज कब हुई, तो हम सभी को पता है ये हुई थी बच्चों जॉन मार्शल ने की थी, कब, 1924 में। जैसे ये इंग्लिश में है, मतलब हिंदी मैंने आपको समझा दिया है, अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ से इजीली यहाँ से रीड आउट कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझा, ठीक है। जैसे मान लेते यहाँ पे 61 क्वेश्चन लिया है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल तथा वर्तमान क्षेत्र के बारे में असत्य कथन का चुनाव करो। यहाँ पे देखो 4 ये क्षेत्र दिए गए, तो आपको 4 में से, मतलब 4 तो आपको पता ही लग जाएंगे, क्षेत्र यानी कि कंट्री, ठीक है, कंट्री है, हाँ कंट्री भी है, और इसमें बेसिकली जो है स्टेट भी है और जगह का नाम भी। तो ऐसे आपको क्या होगा कि ये चीज पता चल जाएगी कि किस कंट्री में, किस स्टेट में कौन सा हड़प्पा का स्थल है। अब जैसे ये 4 पॉइंट है, इसमें से कोई ऐसा है जो असत्य, जो गलत है, ठीक है ना। तो आपको क्या होगा, मैम मान लेते हैं कि
जैसे कि यहाँ पे सुतका गंडोर है, ठीक है, ये कहाँ पे, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ पे है, ये भारत में है ही नहीं, ये कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में, ठीक है। तो आपको ये तीन पता चल जाएंगे कि कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ पे हैं, ये भी पता चल जाएगा, गलत कौन सा है ये पता चल जाएगा, और सही भी मैं आपको बता दूंगा क्या रहेगा। तो ऐसे क्या होगा कि आपको एक ही साथ में बहुत सारी नॉलेज यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि आपके फिजिकल एजुकेशन की बात कर लेते हैं, तो चैप्टर नंबर 1 है। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि अगर वो क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ जाएगा तो इजीली आप जो एमसीक्यू का पॉइंट होगा वो भी लिख दोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कि योजना का उद्देश्य कौन सा नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे योजना का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा है बच्चों, निजी संबंधों में सुधार लाना, ये उद्देश्य इसका नहीं होता है। तो ऐसे ही आप यहाँ से इजीली से जो है वो इंग्लिश में रीड आउट कर सकते हो। तो ऐसे से करके क्या होगा कि आपको हिंदी में मैं आसानी समझा दूंगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इजीली यहाँ से रीड आउट करते रहेंगे, सिंपल सा है। तो ऐसे दोनों मीडियम के बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। तो ये तो हो गया एक अपडेट कि हम आपके लिए इस तरीके का अपडेट यहाँ पे लेके आने वाले। अब यहाँ पे आपसे मैं एक राय लेना चाहूंगा वीडियो की टाइमिंग के बारे में, ठीक है। तो अच्छा, ये समिति के कत्तम वगैरह कुछ इस तरीके से हैं, तो मिलान वाले भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें कुछ कोड्स दिए रहेंगे आपको, जैसे कि पहले का ये है, दूसरे का ये है, इस तरीके से, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन आएंगे, उनको मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में और बात कर लेते हैं, जो कि है आपके वीडियो टाइमिंग के बारे में। ओके, तो यहाँ पे हम अब आपसे कुछ टाइमिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 टाइमिंग सोची है, ठीक है। कौन कौन सी 3 टाइमिंग है, बेसिकली देखो डेली बेसिस पे आपकी 3 वीडियोज आनी है। एक एमसीक्यू की रहेगी और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की रहेंगे। एक मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2 सब्जेक्ट के रहेंगे, मान लेते फिजिकल या हिस्ट्री मैंने उठा लिया, ठीक है। और एमसीक्यू जो है वो पहले हम हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे करके हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे 3 टाइमिंग मैंने चूज की है। सबसे पहली रहेगी बच्चों 3 PM, ठीक है। 3 PM इस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो भी जैसे होम साइंस है, सोशोलॉजी है, फिजिकल है, और मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो काफी कम बच्चों के पास में होते हैं, तो उन सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम 3 बजे डालेंगे, ठीक है। ये पहली टाइमिंग है। दूसरी टाइमिंग है 7 बजे की। आप सभी को पता है कि जो इवनिंग के बच्चे होते हैं इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर मैं मतलब इवनिंग में डाल दूं तकरीबन 4 से 5 बजे के आसपास में वीडियो को, क्योंकि जब वो आएंगे काफी सारे नोटिफिकेशन होंगे तो वो उनके बीच में ढूंढना काफी कठिन हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे उनकी छुट्टी होगी 6 या 6:30 बजे हो जाती है, समर का टाइम वैसे भी चल रहा है, तो ऐसे में 7 बजे का टाइमिंग मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत अच्छा है। अब तीसरा जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं खास है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर रात के 9 बजे, ठीक है, शाम के कह सकते हो, रात के कह सकते हो, ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे लाइव क्लास, ठीक है। जैसे आपको पता है कि मिड टर्म के एग्जाम में हमने आपके लिए, जब भी आपके एग्जाम होते थे तो डेली बेसिस पे लाइव क्लास लिया करते थे 3-3, 4-4 घंटे की। तो ऐसे ही हम डेली बेसिस पे एक क्लास जो रहेगी वो रहेगी आपकी एमसीक्यू की क्लास, ठीक है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, लेकिन रहेगी जरूर, ठीक है। लेकिन पहले मैं कोशिश करूंगा कि हिस्ट्री के हर एक चैप्टर को कंप्लीट करवा दूं, फिर धीरे धीरे करके अदर सब्जेक्ट को यहाँ पे लाया जाए, ठीक है। तो याद रखना 3 टाइमिंग कौन कौन सी, एक तो है आपकी 3 बजे की, दोपहर के 3 बजे की, इस समय हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे सोशियोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, इस तरह से, ठीक है। 7 बजे कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें शॉर्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं, और एक एमसीक्यू की लाइव रहेगी, डेली बेसिस पे लाइव क्लास आएगी आपकी। अराउंड जो है ये 40 से 50 मिनट की हुआ करेगी, यानी कि 9 बजे स्टार्ट करेंगे और 9:45 यानी कि 9:45 तक ये कंप्लीट भी हम कर लिया करेंगे। एक चैप्टर के अराउंड 100+ MCQ की हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वैसे तो कोशिश रहेगी कि 100 तक टच हो जाए, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो तो मैं लेके ही आऊंगा, ठीक है। 50+ तो कंफर्म है, 50+ तो कंफर्म है कि 50+ MCQ तो आपके लिए आने ही आने, हर एक चैप्टर से कोई सा भी सब्जेक्ट हो 50+, ठीक है। और जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल है तो इसमें तो 100 टच तो होना ही होना है, ठीक है। तो लाइव क्लास को सभी बच्चे जरूर ज्वाइन करें, जो कि आपके डेली बेसिस पे रात को 9 बजे होने वाली, ठीक है। तो यही था हमारा यहाँ पे अपडेट जिसे आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है। यही अपडेट था बेसिकली। आपका कोई भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट होता है बच्चों,
तो आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। एक बार मैं आपको इंस्टा का लिंक वगैरह दिखा देता हूँ। हाँ ये रहा, देखो ये रहा। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन नहीं किया है, तो ज्वाइन कर लो। वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह आपको मिल जाती है, आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर जाके क्लिक कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, अपडेट कैसा लगा है, आपका कोई सुझाव वगैरह हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर आप कुछ ऐसे ऐसे चेंजेस कर सकते हो, ये आपको करना चाहिए, तो डेफिनेटली उस पर वर्क किया जाएगा, उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ठीक है, तो अपना सुझाव भी जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपनी वीडियोस में, कल से ही आपकी वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।